चलते हैं बिहार में। हाँ तो गाइस, स्वागत है आपका एसपीएल राहुल जी में एक नई वीडियो के साथ। हाँ तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ट्रेड फेयर 2022 की सारे जितने भी स्टेट के पवेलियन लगे हुए हैं सारा आपको घुमाएंगे, एक पवेलियन भी नहीं छोड़ेंगे, सारा आपको दिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो देखिए कितना अच्छा फुहारा लगा हुआ है, दो फुहारे बनाए हैं, जो नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 2, 3, 4, 5 हॉल, इन सब में पवेलियन लगा हुआ है। तो आपको दिखाते हैं चल के। तो चलते हैं गेट नंबर 2 की ओर, गेट नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये गेट नंबर 2, तो पहला जो पवेलियन लगा हुआ है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के पवेलियन में चलते हैं। तो अब आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के पवेलियन में, देखिए। तो अब चलते हैं अंदर, तो आपको दिखाते हैं अंदर चलकर। फर्स्ट पवेलियन उत्तर प्रदेश, गेट नंबर 2 से जैसे ही एंट्री करेंगे वैसे आपको पहला उत्तर प्रदेश दिखेगा। देखिए कितना अच्छा राम मंदिर का जो थीम दिए इस पवेलियन को, राम मंदिर बना रखा है छोटा सा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा, और बड़े बड़े इस बारी पवेलियन जितने भी बने हैं सारे बड़े बड़े पवेलियन बने हैं, और थीम आपको दिख रही है वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल ग्लोबल। तो देखिए राम मंदिर बना रखा है, मेन जो इसका बनाया है पवेलियन यूपी का, उत्तर प्रदेश का, वो राम मंदिर को ही लेकर है सारा। राम मंदिर का जो भी नक्शा है, देखिए अयोध्या का दे रखा है यहाँ पर, वो बना रखा है, एकदम शेप पूरी राम मंदिर की दे रखी है। तो और दिखाते हैं आपको, तो देखिए वहाँ का जो फेमस काम होता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, जो वहाँ पे काम यूपी का फेमस है। तो देखिए यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह बनाया जा रहा है। और यहाँ पर तारों से डिज़ाइन वगैरह बनाया जा रहा है, और ये मार्बल के अंदर जो डिज़ाइन बनता है वो कलमकारी यहाँ पर हो रही है। तो ये अलीगढ़ का ताला, अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, तो इसलिए लगा रखा है। देखिए कितनी बड़ी चाबी है और बहुत भारी है, देख सकते हैं कितना बड़ा ताला है। और इधर फ्लूट, बांसुरी, बांसुरी फेमस है उत्तर प्रदेश की, ये बांसुरी लगा रखी है। तो अंदर से भी दिखाते हैं थोड़ा, तो देखिए बिहार के भी इस बार काफ़ी बड़े बड़े पवेलियन थे, मतलब हर स्टेट के बड़े बड़े पवेलियन थे, 2-4 स्टेट थी जिनके छोटे छोटे पवेलियन थे, बाकी सारे स्टेटों के बड़े बड़े पवेलियन थे। देखिए वहाँ पे जो काम होता है कलमकारी वगैरह का सहारा यहाँ पर हो रहा है, दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है।
तो अब आ चुके हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की पवेलियन भी काफ़ी अच्छा था, पवेलियन महाराष्ट्र का, तो अंदर चल के दिखाते हैं आपको। तो बाहर बड़ी बहुत बड़ी स्क्रीन लगा रखी थी महाराष्ट्र पवेलियन के। तो देखिए यहाँ वहाँ का जो फेमस इंस्ट्रूमेंट है, तो देखिए यहाँ पे अभी सजावट ही चल रही है। तो वहाँ महाराष्ट्र में इनकी ही नाम से सारे काम होते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है इनकी मूर्ति। तो ये महाराष्ट्र के अंदर आ चुके हैं हम। तो देखिए कितना अच्छा बना रखा है महाराष्ट्र पवेलियन। तो आपको सारे पवेलियन दिखाएंगे अभी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बैठे बैठे आप घर पे सारे पवेलियन देखिए और एक भी पवेलियन मिस नहीं होगा। तो देखिए ये कौन सी मशीन है वहाँ की, महाराष्ट्र की, जो पनडुब्बी वगैरह जो पानी में चलती है। तो आपको दिखाते हैं सारा। तो बिल्कुल को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, आपको सारा दिखाएंगे, बिल्कुल भी एक भी पवेलियन नहीं छोड़ेंगे एक भी स्टेट का। तो सारी स्टेट दिखाएंगे आपको वीडियो के साथ में, ऐसे ही बने रहिएगा। तो अब आ चुके हैं हम झारखंड में। तो झारखंड का दिखाते हैं आपको अंदर चलकर। तो ये झारखंड का पवेलियन है आप जो देख रहे हैं अंदर से, हम दिखा रहे हैं आपको। काफ़ी अच्छा पवेलियन था झारखंड का भी। आप आएँ तो सारी स्टेट घूमें, बहुत अच्छे अच्छे पवेलियन अभी आपको दिखाने रह गए हैं। तो नीचे केवल ग्राउंड फ्लोर पर दो तीन ही पवेलियन लगे थे और बाकी सारा अलग लगा था। तो अब चलते हैं आपको ऊपर, ऊपर आपको दिखाते हैं और स्टेटों के पवेलियन। तो अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो देखिए फर्स्ट फ्लोर पर एक भी पवेलियन नहीं लगा इस बारी। फर्स्ट फ्लोर पूरा ग्राउंड पूरा खाली था, और जो भी लगा सेकंड फ्लोर पर इस बारी स्पेस जो था सेकंड फ्लोर पर सारा पवेलियन लगे थे, मतलब जितना भी लगा था फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली कर रखा था। तो अब आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर। तो ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप देखिए। तो अब दिखाते हैं आपको हरियाणा का पवेलियन। तो आ चुके हैं हरियाणा के पवेलियन पर। देखिए बहुत अच्छा ढोल के नाम, ये देखते ही बंदा पहचान जाएगा कि हरियाणा का पवेलियन है। तो वहाँ के आप ढोल का आनंद उठाइए। तो देखिए अब आ चुके हैं हम हरियाणा के पवेलियन के अंदर। तो काफ़ी अच्छा पवेलियन है हरियाणा का भी। देखिए ये कितना अच्छा बनाया है घूमता हुआ।
भगवान विष्णु जी का। और ये देखिए आप सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ पे हरियाणा के पवेलियन में नीरज चोपड़ा वगैरह के साथ में और हरियाणा ठाट में देसी लुक में। तो देखिए अब चलते हैं आगे आपको लेकर। तो ये सारे डीजे एसेसरीज भी मिल जाएगी यहाँ पर। तो अब देखिए आगे दिल्ली के पवेलियन में। तो अब ले चलते हैं आपको अंदर, दिखाते हैं कैसा है दिल्ली का पवेलियन। तो देखिए इसका इनॉग्रेशन करने दिल्ली पवेलियन का एलजी साहब आए हुए थे, जो दिल्ली के एलजी हैं वो इसका इनॉग्रेशन करने आए हुए थे इस दिल्ली के पवेलियन का। तो और दिखाते हैं आपको। तो देखिए अब आपको लेकर आए हैं हम आगे पंजाब के पवेलियन में। मैं तो अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं पंजाब का पवेलियन कैसा है, कैसा लगा है पंजाब का पवेलियन। तो दिखाते हैं आपको अंदर चलकर। ये आ चुके हैं हम अंदर, देखिए कितना अच्छा लगा हुआ है। तो ये डांस गाना हो रहा है। देखिए हर जगह यही थीम लग रखी थी हर एक पवेलियन में। और ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन सा बना रखा है ये पंजाब का। तो काफी अच्छे अच्छे पवेलियन लगे थे, आपको दिखाते हैं सारे पवेलियन चलकर। तो अब आ चुके हैं उत्तराखंड के पवेलियन में। तो देखिए कितना अच्छा बाहर से गेट बनाया है, कितना अच्छा मंदिर, ऐसा लग रहा है कि आप रियल में आप बद्रीनाथ आ चुके हैं। देखिए घंटी वगैरह सब लगा रखी है, बजाते हैं। तो एक साइड में बद्रीनाथ का धाम बना रखा है, एक साइड में केदारनाथ जी का बना रखा है। देखिए कितना अच्छा सुंदर पवेलियन बना रखा है। तो अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर से। काफी बड़ा उत्तराखंड का पवेलियन बना रखा है इस बारी।
कुछ ऐसा खुला बना रखा है उत्तराखंड का पवेलियन। तो देखिए कितना अच्छा लिख रखा है आई लव उत्तराखंड। अब आपको लेकर चलते हैं केरला के पवेलियन में। तो काफ़ी अच्छा गेट लगा, मैं बहुत अच्छा गेट लगा। तो आपको दिखाते हैं, देखिए कितने अच्छे अच्छे फिश वगैरह आर्टिफिशियल बना रखी है। तो देखिए शिप की तरह एकदम गेट बना रखा है शिप से। तो आपको गेट दिखाते हैं, तो देखिए कितना अच्छा केरला का गेट है। ऊपर नाव रख रखी है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा गेट बना रखा था केरला का तो। और काफ़ी अच्छा पवेलियन था केरला का। इधर इधर दोनों तरफ मसाले रख रखे थे। तो देखिए कितना अच्छा बना रखा है, काफ़ी अच्छा लगा। देखिए ये खाने के ऊपर इन्होंने अपना केरला वालों ने इस बारी थीम बनाई है। तो अब लेके आए हैं आपको उड़ीसा के पवेलियन में। तो अब आ चुके हैं उड़ीसा के पवेलियन में, दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा दिखता है उड़ीसा का पवेलियन इस बारी, कैसा लगा है। तो कितना अच्छा बना रखा है उड़ीसा का, देखिए। तो अब लेके आए हैं आपको गुजरात में। तो गुजरात का भी बहुत अच्छा बना रखा था बाहर से देखिए ऐसा, तो अंदर से आपको दिखाते हैं। तो जितनी भी गुजरात की फेमस फेमस चीज़ थी, जितनी भी ऑल स्टेट की फेमस फेमस चीज़ थी, वो सारी इन पवेलियनों में दिखाई गई थी। तो आप कुछ भी यहाँ से परचेज़ वगैरह कर सकते हैं। और आगे और दिखाते हैं आपको चल के। तो अब आ चुके हैं हम त्रिपुरा में। त्रिपुरा का थोड़ा छोटा सा बनाया हुआ था एग्जीबिशन पवेलियन। तो देखिए बहुत काफ़ी छोटा सा बना रखा था त्रिपुरा का ये पवेलियन। तो आपको नेक्स्ट ले चलते हैं। तो देखिए बांसों से बना रखा है पूरा ये गेट। तो अब ला गए हैं आपको मणिपुर। तो मणिपुर का भी बहुत छोटा सा था पवेलियन, बहुत छोटा सा पवेलियन है मणिपुर का भी। और दिखाते हैं आपको। तो अब ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपको पता ही है चीते का अभी नया नया वही हुआ था, चीता लाया गया मध्य प्रदेश में। तो देखिए चीते का बहुत अच्छा 3D इन्होंने वॉलपेपर भी बना रखा था इस पवेलियन में। तो देखिए कितना अच्छा 3D वॉलपेपर बना रखा है चीते का।
इधर से कुछ और तो इधर से कुछ और। तो कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। जरूर अगर आप याद है तो सारे पवेलियन घूमे, बहुत अच्छे अच्छे पवेलियन बना रखे, सारे पवेलियन बहुत अच्छे बना रखे थे। तो अब ले चलते हैं आपको और आगे। तो इधर से गेट कुछ ऐसा बना रखा था। तो कितना अच्छा गेट बना रखा है आप देख सकते हैं। और बाहर से चीते के ऐसे पोस्टर लगा रखे हैं इन्होंने, बहुत अच्छा बना रखा था। तो अब ले चलते हैं आपको नागालैंड। तो अब आ चुके हैं नागालैंड में। तो देखिए नागालैंड का भी काफ़ी अच्छा बना रखा था, वहाँ की जो वेशभूषा है सारी यहाँ पर दर्शाई गई है। तो आपको ले चलते हैं आसाम। तो आसाम का भी दिखाते हैं आपको अंदर चलकर कैसा बना रखा। आसाम की चाय फेमस होती है, तो इन्होंने चाय का सारा यहाँ पे बाहर वॉलपेपर बना रखा है। देखिए ऐसा लग रहा है कि रियल में आसाम के अंदर ही चाय के खेतों में फ़ोटो खिंचा रहे हों। तो अब अंदर ले चलते हैं आपको इसके। तो देखिए काफ़ी अच्छा बना रखा था आसाम का, बहुत अच्छा लगा पवेलियन। वहाँ की जो कलाकारी है बैग वगैरह की सब यहाँ पे दर्शाई जा रही है। तो अब आ चुके हैं गोवा में। तो गोवा का दिखाते हैं आपको अंदर चलकर। तो ये आ चुके हैं अंदर गोवा में। गोवा का भी काफ़ी अच्छा पवेलियन बना रखा है, छोटा सा है मगर बहुत अच्छा है। तो अब देखिए आ चुके हैं पांडुचेरी। पांडुचेरी का दिखाते हैं आपको अंदर चलकर। तो देखिए अब आ चुके हैं राजस्थान। तो राजस्थान का कितना अच्छा गेट बना रखा है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा गेट बना रखा है। तो देखिए वहाँ का जो लोकगीत वगैरह सब यहाँ पर हो रहे थे और बहुत अच्छा लगेगा आपको अंदर से ये राजस्थान का। तो देखिए वहाँ का जो जितनी भी फेमस चीज़ है सारी यहाँ पर दर्शाई गई है, दिखाई गई है और आप खरीद भी सकते हैं यहाँ से कुछ भी। तो अब ले चलते हैं आपको और आगे। तो अब आपको लेकर आए हैं हम, देखिए मंदिर की शेप दे रखी है तमिलनाडु के अंदर। कितना अच्छा गेट बाहर से बना रखा है, देखिए कितने अच्छे अच्छे स्टैचू बना रखे हैं जानवरों के, एनिमल्स के। तो काफ़ी अच्छा बना रखा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है बंदर गर्दन हिलाते हुए।
तो अब आपको ले चलते हैं और आगे, इसके अंदर भी ले चलेंगे अभी आपको। तो वहाँ के जो जितने भी वर्क है सारा यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखिए अंदर से कितना अच्छा लग रहा है। कितना बड़ा बाजरा वगैरह देखिए। तो अब आपको ले चलते हैं कर्नाटका में। ये कितना बड़ा बना रहा है कर्नाटका का पवेलियन। तो आ चुके हम कर्नाटका के अंदर। कितना अच्छा पवेलियन बना रखा है कर्नाटका का। तो आपको ले चलते हैं और आगे। तो अब आ चुके हम वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के अंदर। तो इसका भी काफ़ी अच्छा बना रखा था। तो वहाँ पे देखिए फेमस दुर्गा पूजा है, तो यहाँ पे मेन वही थीम थी दुर्गा पूजा वाली। तो आपको अंदर चल कर दिखाते हैं अभी। तो देखिए काफ़ी अच्छा वहाँ का जो फेमस आइटम्स हैं वो सारी यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो आगे ले चलते हैं अब आपको। तो देखिए वहाँ का जो फेमस हावड़ा ब्रिज है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो अब आ चुके हम छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का बाहर से कुछ ऐसा था, तो अंदर से देखिए ऐसा है। तो आपको अब ले चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए आ चुके हैं अंदर। ये भी काफ़ी छोटा सा पवेलियन बना रखा है। तो अब ले चलते हैं आपको और आगे। तो अब लेके आए हैं आपको जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ले चलते हैं। तो ये तो देखिए अंदर चल के देखते हैं कैसा है ये। तो सारे पवेलियन काफी अच्छे अच्छे बना रखे हैं। देखिए वहाँ की जो शॉल वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी परचेज करने के लिए, आप यहाँ से परचेज करें। और अब आए हम चंडीगढ़ पवेलियन में। तो ये चंडीगढ़ पवेलियन लास्ट पवेलियन है। तो देखिए ऐसा है कुछ चंडीगढ़ पवेलियन। वोकल फॉर लोकल वाली थीम है इस बारी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको पवेलियन सारे अच्छे लगे हों। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।
तो पूरा ट्रेड फेयर घूम चुके हैं हम सारे स्टेटों में, तो आप ज़रूर आएँ। तो देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये रात में। तो यहाँ पर शोज़ वगैरह भी होंगे, दो ट्रेड फेयर ये बना रखे हैं थिएटर, तो आप ज़रूर आएँ और आनंद लें यहाँ का। तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें SPL राहुल जी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब SPL राहुल जी। थैंक यू।